Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions which CBSE may ask in your board exam. So let's begin with the part 13, that is ozone. Ozone में सबसे पहले तो जब हम O2 को O3 में convert करते हैं तो वो endothermic process होता है और जब हम O3 को O2 में convert करते हैं तो वो exothermic process होता है, okay? Then ozone एक allotropic form है oxygen का, UV rays से protect करती है, preparation slow stream of oxygen pass silently in electrical discharge, तो O2 O3 में कन्वर्ट होएगी, एंडोथर्मिक है, ठीक है. प्रॉपर्टी, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड. ओके, देन वी हैव ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PbS प्लस O3 करेंगे तो PbSO4 प्लस O2 बनेगा. I प्लस वाटर प्लस O3 करेंगे तो OH- प्लस I2 प्लस O2 बनेगा. ओके, देन O3 इज एस्टिमेटेडली क्वांटिटेटिव. ओके, सो इसमें ये है इक्वेशन, I प्लस वाटर प्लस O3 गिव्स अस OH- प्लस I2 प्लस O2. फिर एक ये अच्छी है, ये पूछा गया काफ़ी बार बोर्ड में, Na2S2O3 प्लस I2 क्या देता है, Na2S4O6 प्लस 2NaI. ओके, O3 जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. O3 को जब O2 में कर रहे हैं, अभी भी हमने बात करी, प्लस O भी मिल रहा है हमें साथ में, कि ये कौन सा होगा, जब O3 को O2 में करेंगे एक्सोथर्मिक होगा, करेक्ट. देन NO प्लस O3 विल गिव अस NO2 प्लस O2. यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, यूज ऑफ फेरॉन्स विच आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज. ये फेरॉन्स में यूज होता है जो कि यूज होते हैं एरोसोल स्प्रेज में इन रेफ्रिजरेशन एज जर्मिसिडल डिसइंफेक्टेंट्स फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर. ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी फ्लोर, स्टार्च एक्सेट्रा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम एंड परमैंगनेट. नेक्स्ट, यही बात है, O2 को O3 में करेंगे एंडोथर्मिक, O3 को O2 में करेंगे एक्सोथर्मिक. ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल. O3 को O2 में किया प्लस नासेंट ऑक्सीजन भी मिलती है, एज वी कैन सी. ओके, सो हाउ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन. नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ये पूछा जाए तो इक्वेशन साथ में लिखनी है. नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डायटोमिक ऑक्सीजन. NO प्लस O3 क्या देगा, NO2 प्लस O2. सिंस सुपरसोनिक जेट फ्लाई इन स्ट्रैटोस्फेयर नियर द ओजोन लेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन, क्योंकि वो ओजोन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन में. ओके, ओके, सो अकाउंट द ओ बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर इक्वल. दोनों इनके वो बनाने हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू मेन फॉर्म्स, इनकी वजह से ही ऐसा होता है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेना, प्लस माइनस के साइंस भी लिख लेना. फिर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बॉन्ड एंगल है. 117 डिग्री लिखा हुआ बीच में और यहाँ लिखा है 128 PM. ओके,